दोस्तों, मैं एक ऐसी घटना आपको बताने वाला हूं जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। ये घटना लगभग बंगाल विभाजन के बाद में उत्पन्न हुआ एक ऐसा उग्र आंदोलन से निकलने वाली एक ऐसी घटना है जिसका संबंध भारत के और मुख्यतः बंगाल के क्रांतिकारियों से था। ये जो घटना है इसको किंग्सफोर्ड की हत्या का षड्यंत्र की घटना का नाम दिया जाता है। किंग्सफोर्ड नाम का एक अंग्रेज न्यायाधीश होता है, उसकी पोस्टिंग कलकत्ता होती है और वह एक प्रकार का पक्षपातपूर्ण न्यायाधीश होता है। वह भारतीयों को बेगुनाह होने पर भी सजा देता था और इस प्रकार का जब वह बहुत सारे क्रांतिकारियों को और निर्दोष लोगों को सजा देने लगा तो भारतीय क्रांतिकारी संगठनों के अंदर एक बहुत बड़ा उसके प्रति द्वेष था, गुस्सा था कि सही होने के बावजूद भी केवल एक भारतीय होने के कारण उनको गुनहगार बनाया जा रहा था। उस किंग्सफोर्ड की पोस्टिंग कलकत्ता से वापस बिहार के मुजफ्फरपुर में होती है। जब वो यहां पर आता है, यहां पर आने के बावजूद भी वह इस प्रकार के ही फैसले लेता था और भारतीयों को बेगुनाह होने पर भी सजा देता था। जब 1905 में बंगाल विभाजन हो रहा था, उस समय बंगाल विभाजन के आंदोलन से बहुत सारे ऐसे युवा क्रांतिकारी उन आंदोलन से उभर के निकले थे। उन्हीं आंदोलन से उभर कर आने वाले या छात्र आंदोलन से उभर कर आने वाले दो क्रांतिकारी प्रमुख थे, जिनमें थे पहले प्रफुल्ल कुमार चाकी और दूसरे थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, मगर मैं आज जो बात करना चाहता हूं वो प्रफुल्ल चंद्र चाकी के बारे में बात करना चाहता हूं। तो ये जो न्यायाधीश था, ये बदनाम न्यायाधीश के रूप में विख्यात था। अब क्या होता है कि जो क्रांतिकारी संगठन होते हैं, क्रांतिकारी संगठनों के अंदर सहमति बनती है कि इस न्यायाधीश को बम से उड़ा दिया जाए और इसको बम से उड़ाने के लिए दो व्यक्तियों का चयन किया जाता है। पहले थे खुदीराम बोस और दूसरे थे प्रफुल्ल चंद्र चाकी। दोनों को ये इस काम का दायित्व सौंपा जाता है। दोनों कुछ दिन तक पहले उस जज की रेकी करते हैं, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, कितने बजे आता है, कब वो बग्घी में बैठ के जाता है, उस के बारे में वो ध्यान रखते हैं। ये जो घटना है वो है 30 अप्रैल 1908 की, जब वो किंग्सफोर्ड नाम का न्यायाधीश यूरोपियन क्लब हाउस से बाहर निकलता है और बग्घी में बैठकर जाने लगता है। उसी समय खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी उस पर बम फेंकते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा होता है कि जिस बग्घी में वो बैठा हुआ होता है उस पर बम नहीं गिरता है और उससे पीछे वाली बग्घी के ऊपर बम गिर जाता है। लेकिन खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी को तो यही लगता है कि हम जिस उद्देश्य से यहां पर बम फेंका था और आए थे वो हमारा उद्देश्य पूरा हुआ और वे बम फोड़कर वहां से भाग जाते हैं। उन्होंने जब बम फोड़े थे उस समय लगभग वो रात्रि का समय था और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 3 मील तक उस बम की आवाज गूंजी थी और वो वहां से बम फेंकने के बाद वो भागते। उस समय क्रांतिकारी कि आर्थिक स्थिति बहुत वीक थी, आर्थिक स्थिति यहाँ तक इतनी कमजोर थी कि उनके पास पाँव में चप्पल भी नहीं थे और वो पूरी रात भागते रहे। जहाँ उन्होंने बम फेंका था वहां से पूरी रात भागते हुए लगभग 24 मील की दूरी पर एक स्टेशन था, वहां तक वो भागते आए और वहां जब वो इस बम कांड को अंजाम दे चुके थे और वो वहां से भी दोनों अलग हो जाते हैं। खुदीराम बोस अलग चले जाते हैं और वहां से जो प्रफुल्ल चंद्र चाकी होते हैं वे भेष बदलकर वहां से समस्तीपुर आ जाते हैं और वहां से रेलवे स्टेशन में बैठकर चले जाते हैं। प्रफुल्ल चंद्र चाकी को भी पता होता है कि अगर यदि मैं पकड़ा गया तो अंग्रेज सरकार मुझे छोड़ने वाली नहीं है। यहां पर खुदीराम बोस को भी पता होता है कि अगर मैं पकड़ में आ गया तो अंग्रेज सरकार मुझे छोड़ेगी नहीं। ये सोचकर दोनों अलग अलग हो जाते हैं और वहां से वे अपना अपना जैसे तैसे करके छिप छिपा कर वे 2 दिन रहते हैं। तभी क्या होता है कि जो प्रफुल्ल चंद्र चाकी होते हैं जो समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से रेल में बैठते हैं इसके बाद वे जाते हैं। तभी वहां पर उसी ट्रेन के अंदर एक
ऐसा ही होता है सब इंस्पेक्टर, जिसका नाम मिलता है नंदलाल बनर्जी, जिसको एनएन बनर्जी भी कहा जाता है। एनएन बनर्जी जो उस समय ब्रिटिश सरकार की नौकरी कर रहा था, उसने उस प्रफुल्ल चंद्र चाकी को पहचान लिया और उसने प्रफुल्ल चंद्र चाकी को पकड़वाने के लिए रेलवे स्टेशन में जो एक जंजीर होती है जिसको खींचने से रेल अगले स्टेशन पर रुक जाती है, जैसे ही अगले स्टेशन पर वो ट्रेन रुकी, प्रफुल्ल चंद्र चाकी को ये संदेह हो गया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, और वे जैसे ही ट्रेन रुकी और हल्की से रुकने ही वाली थी, इससे पहले वो ट्रेन से कूद गए और कूदकर भागने लगे। तभी वहां पर अंग्रेज सरकार के सैनिक आ जाते हैं, सारे गोरे सैनिक आ जाते हैं और प्रफुल्ल चंद्र चाकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। केवल उस गद्दार नंदलाल बनर्जी के कारण ही प्रफुल्ल चंद्र चाकी चारों तरफ ब्रिटिश सेना से घिर जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रफुल्ल चंद्र चाकी हिम्मत नहीं हारते हैं और वे उनसे लड़ते हैं। उनके पास एक छोटी सी पिस्तौल होती है और छोटी सी पिस्तौल से वे मुठभेड़ करते हैं। मैं आपको इस घटना से थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूं। जिस प्रकार इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब चंद्रशेखर आजाद साहब को अंग्रेजों ने घेर लिया था और अंग्रेजों की सेना के मध्य और चंद्रशेखर आजाद के मध्य जब मुठभेड़ चलती है, तो उस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद एक गोली निकाल लेते हैं और अंतिम समय तक लड़ते हैं और लास्ट में स्वयं को वो गोली मारकर शहीद हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने भी कुछ समय तक तो अंग्रेजों से लोहा लिया, उनके दांत खट्टे किए, उनको धूल चटाई, मगर अंततोगत्वा उन्होंने स्वयं को गोली मार दी, बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद की तरह, और उन्होंने अपनी देह लीला समाप्त कर दी। उनके मन में यह भाव था कि अगर वो जिंदा पकड़े गए तो हो सकता है उनके क्रांतिकारी संगठन की सारी खुफिया जानकारी लीक हो जाए, इसलिए ये सोच के उन्होंने स्वयं मरना स्वीकार किया। ये जो घटना है ये 1 मई 1908 की घटना है। बिहार के मोकमा स्टेशन रेलवे स्टेशन पर ये शहीद हुए। अब क्या होता है कि जब वो शहीद हो गए होते हैं, उनका शरीर वहीं पड़ा होता है, लेकिन उस गद्दार नंदलाल बनर्जी क्या करता है कि प्रफुल्ल चंद्र चाकी का सिर काट कर और मुजफ्फरपुर की अदालत में पेश करता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि एक वो हिंदू है, एक वो भारतीय है जिसने अपने राष्ट्र के बलिदान के लिए स्वयं को गोली मारना बेहतर समझा, कि अंग्रेजों की गिरफ्त से वे स्वयं को गोली मारना को वो बेहतर समझते थे, और एक दूसरे बनर्जी थे जिन्होंने प्रफुल्ल चंद्र चाकी को गिरफ्तार करने में अहम भूमिका निभाई। प्रफुल्ल चंद्र चाकी की बात करें तो इनका जन्म बंगाल में होता है। यह बंगाल विभाजन जब 1905 में बंगाल विभाजन होता है, उसके छात्र आंदोलन से निकलने वाले एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। मात्र 2 वर्ष की आयु में इनके पिता का निधन हो जाता है और गरीबी में इनकी माता उनका लालन पालन पोषण करती है। ये स्वामी विवेकानंद के साहित्य से काफी प्रभावित थे। जब ये कक्षा नवी में पढ़ते थे, उस समय बंगाल विभाजन के आंदोलन उग्र हो रहे थे, तो इन्होंने क्रांतिकारी संगठन में केवल कक्षा नवी में पढ़ते हुए भाग लेना प्रारंभ कर दिया। इसी के कारण इनको स्कूल से निकाल दिया गया और वे उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद इनका संबंध युगांतर पार्टी से भी था, जो एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन था। जब ये धीरे धीरे जब सर्वप्रथम ये जब क्रांतिकारी संगठन में जुड़ना चाह रहे थे, तो इनका जो परिचय था वो स्वामी महेश्वरानंद से हुआ था। महेश्वरानंद जो एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन चलाते थे, उनसे इनका परिचय हुआ और ये धीरे धीरे क्रांतिकारी संगठन के अंदर इन्होंने भाग लिया। ये जो मैंने आपको जानकारी दी, ये जो एक भारतीय पुस्तकालय संघ की लाइब्रेरी के अंदर प्रफुल्ल चंद्र चाकी की से जीवन से संबंधित बहुत सारे ऐसे तथ्य और दस्तावेज मिलते हैं जिनसे इनके त्याग और बलिदान की हमको यश गाथा सुनने को मिलती है। यहां तक कि कलकत्ता के विनय बादल दिनेश बाग में भी इनकी भव्य मूर्ति लगी हुई है। इनकी शहादत पर प्रतिवर्ष नमन किया जाता है, लेकिन बहुत से कम लोग ही प्रफुल्ल चंद्र चाकी को जानते हैं। मगर इनके ही सहयोगी खुदीराम बोस को, जिन्हें भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी, इसी कारण खुदीराम बोस की ख्याति भी एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी के रूप में थी। तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी, जिनका संबंध किंग्सफोर्ड
हत्या षड्यंत्र से मिलता है और इनके प्रमुख सहयोगी थे खुदीराम बोस। ऐसे भारत के वीर क्रांतिकारी जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, उन्हें नमन है। उनके प्रति हमारे हृदय में जो भाव हैं वो हमेशा एक सच्चे क्रांतिकारी को जो मिलने चाहिए वैसे ही रहेंगे, और प्रतिवर्ष हम उन्हें नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद।